हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, आप आर्थिक तंगी से परेशान हो, कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो दोस्तों घबराई नहीं। संकष्ट चतुर्थी के दिन दोस्तों ये कुछ खास दान अवश्य करें, इससे आपके तमाम काम बनने लगेंगे। भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू होगी। तो चलिए जानते दोस्तों कुछ खास दान के बारे में। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, भगवान गणेश का पूजन करने के लिए सुबह उठकर नित्य कर्मों और स्नान करें। दोस्तों, इसके बाद पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद गणेश जी की चौकी लगाने की तैयारी करें। दोस्तों, मंदिर में पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाए, इस पर भगवान जी की प्रतिमा रखें। दोस्तों, इसके बाद गणेश जी को गंगा स्नान कराने के लिए एक चम्मच में गंगा जल लेकर भगवान गणेश की प्रतिमा के ऊपर डालें और फिर एक कपड़े में इसे साफ करें। अब भगवान गणेश जी को तिलक लगाएं और फूलों की माला अर्पित करें। दोस्तों, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गणेश जी को लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। इसके बाद घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए गणेश जी से प्रार्थना करें। और दोस्तों, अथर्व शीर्षक का पाठ जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अथर्व शीर्षक का पाठ करने से आपके तमाम संकट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस दिन आप इन चीज़ों का दान अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों आपके हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी और आर्थिक तंगी छूमंतर हो जाएगी। तो दोस्तों, दान का अर्थ ये नहीं है कि आप केवल इंसानों को ही दान दें, बल्कि संकष्ट चतुर्थी के दिन पशु पक्षियों को भी दान करने का बहुत महत्व है। दोस्तों, आप किसी गरीब या जरूरतमंद को अनाज, फल, कपड़े, पीतल या स्टील के बर्तन के दान कर सकते हैं। वही जानवरों को, जैसे कुत्तों को, गाय, बकरी आदि को घी या गुड़ की रोटी, चारा, घास, दूध जैसी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, वही पक्षियों के लिए बाजरा, चावल जैसे अनाज भी छत पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये खास दान अवश्य करें, इससे आपके तमाम संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, संकष्ट चतुर्थी के दिन ये खास उपाय यानी कि ये दान अवश्य करें, इससे आपको फायदा ही होगा। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ओम गण गण पते नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।